हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एग्जाम गाइडेंस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एनालॉजी है और ये टॉपिक रीजनिंग के अच्छे चैप्टर में से एक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं आपके स्क्रीन में। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में मौजूद है, देखो कबड्डी इज टू 7 लिखा हुआ, देन प्रोपोर्शन बास्केटबॉल इज टू क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन हमारा नॉर्मल सा है, देखने के साथ ही आपसे बनना चाहिए। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं तो बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्या, उसको देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये भी हमारा वर्ड एनालॉजी का नॉर्मल सा क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, तो ठीक उसी तरीके से इफिल टावर फ्रांस में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा फर्स्ट ऑप्शन, फ्रांस। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज टू जेनेवा, प्रोपोर्शन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज टू क्वेश्चन मार्क। आपके पास थोड़ा सा भी कंसेप्ट होगा तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस जेनेवा में है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेड ऑफिस दुबई में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। बनाने का तरीका वही है, रियल का काम यानी RAZRAILZIOR, इसके वर्ग को अच्छे तरीके से देखना है। तो ध्यान देना, आर का काम हम जड के साथ देखेंगे। जब आप आर का काम जड के साथ देखो तो देख लो 18+8 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 18+8 करें तो 26 होगा। यानी आपने R में +8 किया तो ठीक उसी तरीके जब आप E में +8 करोगे तो E +8 हमारा होगा 13, और 13 में क्या आता है M। गिवन ऑप्शन में कहीं भी फर्स्ट में आपको M नहीं दिख रहा, इसका ये मतलब हुआ नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो उस केस में बस आपके पास थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए। आप अच्छे तरीके से देखो, रेल में पहला अल्फाबेट हमारा आर है और फिर राइट साइड में आप देख सकते हैं ZIOR लिखा हो। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा वो देखो, आर का जो रिवर्स है वो हमारा आई होगा, देखो सेकंड में मौजूद आपको दिख रहा होगा, और ए का जो रिवर्स होगा वो जेड होगा, और ठीक उसी तरीके से आई का जो रिवर्स है वो हमारा क्या है, तो आई का जो रिवर्स है वो हमारा आर होगा, और फिर हमारा एल का जो रिवर्स होगा वो क्या होगा, ओ होगा। आप देखो आई आपको सेकंड वाले प्लेस में और जेड आपको फर्स्ट वाले प्लेस में दिख रहा होगा, और ओ थर्ड वाले प्लेस में, और आर भी जो है वो आर जो फोर्थ वाले प्लेस में दिख रहा होगा। यहाँ पे बेसिकली रिवर्स ऑर्डर का यूज हुआ है। तो ठीक उसी तरीके से जब यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर का यूज हुआ तो आप थोड़ा सा अपना कंसेप्ट यूज करो, यहाँ पे ई एक्स और फिर हमारा ए और फिर हमारा एम। तो ध्यान देना ई का रिवर्स क्या होगा, वी, ई का रिवर्स क्या होगा, वी, और एक्स का रिवर्स क्या होगा, सी, और फिर ए का रिवर्स क्या होगा, जेड, और फिर एम का रिवर्स क्या होगा, तो एम का रिवर्स हो जाएगा एन, स्क्रीन में लिखा हुआ। तो वी जो है वो सेकेंड वाले प्लेस में और सी जो है वो फर्स्ट वाले प्लेस में दिखना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं दिखा। अच्छा आप ध्यान देना, हमारा ए का जो रिवर्स है वो है क्या, तो ए का रिवर्स जो है जेड है जो कि वो लास्ट में दिखना चाहिए, और फिर एम का रिवर्स हमारा क्या, तो एम का रिवर्स हमारा एन जो कि थर्ड में दिखना चाहिए। तो ये बात फिक्स हुआ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, उस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन। आप ध्यान देना, डी का काम एप के साथ देखो, ई का काम आई के साथ देखो, तो इसमें हो क्या रहा वो देख लो। सर डी में +2 करेंगे तो एफ आ जाएगा, ई में +4 करेंगे तो आई आएगा, एल में +6 करेंगे तो आर आ जाएगा, और एच में +8 करेंगे तो पी आ जाएगा, और आई में +10 करेंगे तो आई में जब आप +10 करोगे, आई में जब आप +10 करोगे तो सर आपको एस मिल जाएगा। इसका ये मतलब वह हमारा जो स्लॉट है वहां पे +2, +4, +6, +8 और फाइनली हमारा +10 हो रहा है, यानी दो दो से हमारा नंबर का पैटर्न इंक्रीज हुआ। चलो आते हैं सॉल्यूशन पे। जब आप सॉल्यूशन पे इन करेंगे तो ध्यान देना आई में +2 करोगे, जब आप आई में +2 करोगे तो आपके सामने के आना चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आर में +4 करोगे, जब आप आर में +4 करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, 18+4 करेंगे 22, यानी वी आना चाहिए, यानी के, और फिर के बाद आपके पास वी आना चाहिए। चलो ठीक है,
आगे ध्यान देना, सी में प्लस सिक्स करेंगे, जब सी में प्लस सिक्स करोगे तो आपके पास क्या आएगा, थ्री और सिक्स नाइन, यानी आई थर्ड वाले प्लेस में आपको आई दिखना चाहिए, यानी के बाद वी दिखता और वी के बाद आपको फिर क्या दिखता, आई दिखता, यानी के वी आई। तो के वी आई आपको ऑप्शन नंबर टू थ्री और फोर में दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा होता नहीं। जब आप आगे बढ़ोगे तो ध्यान देना, आप टी में प्लस एट करोगे, टी में आप क्या करोगे प्लस एट, तो 20 और 8 हमारा 28 होगा। तो अल्फाबेट तो हमारा 26 होता है और हमारा एडिशन आ रहा है 28, इसका ये मतलब वह हमारा 28 जो है वो 26 से दो ज्यादा है। जब दो ज्यादा, इट मीन्स दो में आता कौन है, बी, यानी आई के बाद आपको क्या दिखना चाहिए, बी। तो ध्यान देना ऑप्शन नंबर टू भी हमारा कट जाएगा। अब क्या आप ध्यान देना, अब सी में आपको प्लस 10 करना है। जब आप सी में प्लस 10 करो तो ध्यान देना, थ्री प्लस 10 करेंगे तो 13 होगा, इट मीन्स हमारा एम आना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा आंसर होगा नहीं, हमारा राइट आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, हमारा नेक्स्ट स्लाइड है क्या, उस पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा आपके सामने मौजूद है, देख लो। नेक्स्ट स्लाइड हमारा नंबर एनालॉजी और नॉर्मल से ये क्वेश्चन है। यदि आपके पास कंसेप्ट अच्छा है, प्ले विथ नंबर का कॉम्बिनेशन आपका बहुत ही अच्छा होगा, तो ये क्वेश्चन आपसे तुरंत बन जाएगा। आप ध्यान देना, यहाँ पर 2704 जो है 52 का स्क्वायर है, तो 2916 जो है किसका स्क्वायर होगा, 54 का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, हमारा नेक्स्ट स्लाइड है क्या, उस पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड आप देख लो, आपके सामने फिर से नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी अच्छा सा क्वेश्चन था। यहाँ पे 45 की सिमिलैरिटीज 41 के साथ देखनी थी, ठीक उसी तरीके से 34 की सिमिलैरिटीज क्वेश्चन मार्क के साथ देखनी थी। तो ये बनेगा कैसे वो देखो, ये क्वेश्चन बनाने का तरीका, यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर करो और फिर 5 का स्क्वायर करो। जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा। जब आप एडिशन बनाओगे तो एडिशन आपके सामने आ जाएगा 41। चलो ये मैच कर गया, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक उसी तरीके जब आप आगे बढ़ोगे तो आगे का सीन क्या बनेगा, आगे फिर से आप जो काम आप 45 के साथ अप्लाई किए वही काम आपको 34 के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। तो सर 3 का जो स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। जब 4 का स्क्वायर 16 होगा तो उस केस में 16 और 9 का एडिशन हमारा क्या होगा, 25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 25 होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, हमारा नेक्स्ट स्लाइड है क्या, उस पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड आप देख लो, ये भी काफी खूबसूरत सा क्वेश्चन था। ये बना कैसे, ये हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसे बनाने का तरीका क्या वो देखो, 3 और 7 को ऐड कर दो, 3 और 7 को जब आप ऐड करोगे तो एडिशन आएगा आपके पास 10, और इस 10 को आप 2 से डिवाइड दो। यहाँ पे 2 से डिवाइड देने का मतलब नंबर ऑफ नंबर, यानी हमारा दो नंबर था, 37 पहला नंबर 3 है और दूसरा नंबर 7, इसलिए आपने 2 से डिवाइड दिया। वही काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, 357 के साथ करेंगे, 357 को आपस में ऐड कर लो। जब 357 को आप आपस में ऐड करेंगे तो एडिशन आपके पास आएगा 15, और यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ नंबर है कितना, यानी कहा 3 नंबर है, 357, तो 3 से डिवाइड दे दो। जब 15 को आप 3 से डिवाइड देंगे तो आपके पास आएगा क्या, 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 होगा। फिर से सुन लेना, इसमें 3 और 7 को ऐड किए तो एडिशन आया 10, और 10 को 2 से डिवाइड दे, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर थे, सिर्फ 2 से डिवाइड दिया गया। फिर 3, 5 और 7 को ऐड किए तो एडिशन आपके पास आया 15, तो 15 को आप 3 से डिवाइड दे, क्यों दिए 3 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर था। तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 होगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड हमारा है क्या वो देखो। नेक्स्ट स्लाइड, ये काफी खूबसूरत सा और काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। इसके आंसर को बनाकर आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेजना, बनाना जरूर, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना।